ये लड़का अगर बनियान में होएगा इसको बोलेंगे कि बाहर दरवाजा बंद करके नहीं जाना ना कि भाई क्यों वो पर्सनैलिटी खराब होती कौन सी वाली साइड से पर्सनैलिटी खराब होती है जैसे सामने से ही सामने से खराब होती है ओके आपको पता है लाइफ में जब आप ट्रैवल करते हो सबसे मुश्किल पार्ट पता क्या है वो है पैकिंग सच में दो इंसानों के लिए पैकिंग बहुत ही मुश्किल है एक व्लॉगर और दूसरी है लड़कियां यानी कि लड़कियों ने जाना होता है 3 दिन की ट्रिप के लिए पर वो पैकिंग करती है 25 दिन के कपड़े और फिर भी वो जाकर ये बोलती हैं कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है मतलब स्यापा उनका ख़त्म ही नहीं होता फिर उनको नए कपड़े खरीदने ऐसी होती है ब्लॉगर की लाइफ 1 2 3 4 कपड़े बहुत कम है बट इक्विपमेंट इतने हैं उसको चार्जिंग का सर्किट इतना है उसके कार्ड रीडर वायर्स और इन सबको पैक करते करते ना दिमाग घूम जाता है सो स्यापे ब्लॉगर की ज़िंदगी में भी तो ये स्यापे फाइनली हमने पिछले 2 से 2.5 घंटे में लगे हुए थे और जाके अब हमारी पैकिंग ख़त्म हुई है तो थोड़ा सा सुकून है और आज का हमारा प्लान क्या है प्लान होना बहुत ज़रूरी है आज हम यहाँ से निकल रहे हैं स्पर्श को अलविदा कर कर बाय बाय जा रहे हैं हाँ तो सी चले जाओ चले जाओ अच्छा तो आज हम जा रहे हैं जी होशियारपुर हम पहुँचेंगे ताये थे करें साढ़े मतलब साढ़ा ताऊ उधर रहता है तो हमने अपनी भाभी को फ़ोन कर दिया कि आ रहे हैं आप तो यहाँ से निकलेंगे कुछ 190 किलोमीटर है 3 से 4 घंटे लगेंगे हमारे को और हाँ ट्रैवल के टाइम पे आप लोगों ने ना बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि आप अपने बालों की कैसे केयर करते हो जिस तरीके से आप लोगों ने सवाल किया है ना कि आप बालों की केयर कैसे करते हो सफ़र के टाइम पे ये सीरियसली बहुत ही मुश्किल पार्ट है अगर कोई भी आप ट्रैवल पर निकलते हो क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे हमारे को नहीं पता होता कि हम कौन सी सिचुएशन में जाने वाले हैं आगे कौन सी सिचुएशन आने वाली है क्योंकि जब हम खाना भी खाते हैं तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि सुबह पराठे खा लूँ ताकि दोपहर में ब्रेक ना लेना पड़े तो बाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 24 घंटे हेलमेट लगे रहना है तो उसकी वजह से वो डैमेज भी होते हैं तो मैं यूज़ करता हूँ उस्तरा का हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर क्योंकि इसके अंदर है 33 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स समझ रहे हो 33 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हेयर फॉल को रोकता है हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है समझ रहे हो ना जो आप फोटो पर हमेशा कमेंट करते रहते हो ना कि आपके बाल बहुत सेक्सी लगते हैं ये राजदार है कुछ चीज़ें समझिए इस बात को जिनके बालों में हेयर ग्रे की प्रॉब्लम होती है ना उसको भी ये सॉल्व करता है और इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं इसको सबसे पहले आप हाथ में लीजिए बहुत ही इंटेलिजेंट बात कर रहा हूँ पर हाथ में लेना ही पड़ेगा आपको और आप इसको धीरे धीरे लगाइए ऐसे स्कैल्प में अच्छे से लगाइए अब आप सोच रहे होंगे कि इसको ट्रैवल पर निकलना है तो ये अभी क्यों लगा रहा है क्या है कि ये है नॉन स्टिकी हेयर ऑयल तो ये आपके बालों में ऐसे पुराने जो तेल होते थे ना वैसा कुछ फील नहीं देगा अगर आपको डेट वेट पर भी जाना है तो भी आप ऐसे लगा के जा सकते हो और खुशबू भी बहुत अच्छी है अब बात रही इसको ख़रीदा कैसे जाए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाइए और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए वो भी बताते हैं बताइए सबर कीजिए ये जो नीचे आ रहा है ना कोड सत्या10 अगर आप ये यूज़ करेंगे ना तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट मतलब मुफ्त जाइए और मौज लीजिए बाकी लड़का तो स्मार्ट लग ही रहा है हमने यूज़ कर लिया इसको अच्छे से अब देखते हैं आप कब तक इसको यूज़ करते हैं ठीक है जी चलो चले आप ओके जी रब रखा इतने दिनों बाद बाइक निकल रही है आज मैं जा नहीं रहा हूँ अभी सामान लगाने के लिए बाहर करनी है अपने को चल वीरे अंकल जी ने नवा फर्श बनवाया है पीछे ठंड में ना उंगलियों में लग जाती है इसे खींच खूंच के क्या लगता है ये होशियारपुर तक टिकेगा या नहीं टिकेगा क्या कहता है स्पर्श कैमरा ऐसे करेगा तो हाँ ऐसे करेगा तो ना ओह थैंक यू मतलब हमारी मेहनत सफल रहेगी ठीक है सामान टंग चुका है सामान ना बढ़ता ही जा रहा है कुछ कर नहीं सकते थोड़ी सी बाइक गंदी है पर हमारा जो चीता है ये देखिए आगे आइए जो चीता है ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी आ गई इस पर ऐसे कर देंगे तो चीता चमक जाता है चीता बना ही चमकने के लिए पैदा हुआ है चीता तो सामान सेट है अब यहाँ से निकलेंगे यही है जी हम सोच रहे हैं स्पर्श की मम्मी से मिलाएँ और क्लिनिक पर हैं चलें स्पर्श हाँ या ना ओके चलो भाई स्पर्श दंगवाल कैसे है भाई सोचना तेरे को लड़कियां ऐसे छेड़े तो हाँ भाई स्पर्श दंगवाल बाय बाय डॉक्टर साहिबा
बाय बच्चा, कम सून बैक, जल्दी आइयो। बिल्कुल ठीक है, गॉड ब्लेस यू। नए साल पे वो जितनी आप वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? आपको बहुत बहुत बधाई है नए साल की, आपको खूब सक्सेस मिले और आपके सब्सक्राइबर बढ़े और आप दोबारा हमारे घर पधारे। ये रब रखा, रब रखा। बहुत दिन लगाने के बाद ना ऐसे निकलना पड़ा ही वो दिल पर ऐसे, पर जी बहुत ही मजा आया जी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू आंटी जी, एंड स्पर्श तो नज़ारे ही नज़ारे आगे भाई। खुशियां बांट देती हैं कि आप अब जा रहे हैं वापस आगे, कहीं खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि अपने तो बोलते ही हैं जी गंगानगर के चीते हैं खुशियों पर। जैसे जैसे आप शहर से दूर जाते हो जी, ये देखो सामने धुंध जो है, पिंड में जो मतलब धुंध पैनी शुरू हो गई है, पर शहर में अभी तक एहसास नहीं हुआ है। बाकी सब जगह अंदर अंदर जैसे जैसे डीप जाते जाएंगे धुंध का एहसास हो जाएगा। धुंध बोले तो फोग, फिर बाद में कमेंट करोगे धुंध क्या हुआ जी, धुंध बोले तो फोग, एंजॉय द फोग। मित्र प्यारे हो, असि फस गए हाँ कितने सानू भी नहीं पता जी। एम्बुलेंस निकलवानी जरूरी है जी। सॉरी जी थोड़े से रूल तोड़ रहा हूँ, बट आगे आगे निकलो भाई साहब। फाइनली ट्रैफिक वाले लगे हैं जी निकालने में, फाइनली एम्बुलेंस निकल गई है जी, फाइनली। रब मेहर करियो यार, अभी इंसान है उनकी जान बख्शी हो। अभी रुके हम चाय पीने के लिए, और यहाँ पर स्पेशली क्या है कि गुड़ की चाय है, वेरी गुड। जब भी आपको नींद का ऐसे झोंका आने लगे ना, रोक लो, चाय पियो, मुँह हाथ धो, फिर आगे निकलो। आज ना बड़ा ही अच्छा लगा जब वो एम्बुलेंस वाला सीन हुआ ना। हमेशा क्या होता था कि यूट्यूब पर वीडियो देखता था कि लोगों ने इस तरीके से हेल्प की और एम्बुलेंस को निकलने दिया, बट आज जब खुद ऐसा कर रहा था ना, तो हाँ देखकर वो लग रहा था कि सब लोगों में इंसानियत जिंदा है। मतलब सब लोग फटाफट साइड कर रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं निकलने दे रहे, इतना साइन बजा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एम्बुलेंस के अंदर लोग थे, यानी कि जिनकी फैमिली होगी, जो भी पेशेंट थे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतना सारा ट्रैफिक है और उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। तो उस टाइम पे वो लोगों पर ही भरोसा कर सकते हैं, देखे चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे आगे वो भाग रहा था, चाहे जितने भी गाड़ी वाले थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहे थे कि एम्बुलेंस को निकलने दिया जाए। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है कि एम्बुलेंस कहीं अटक गई है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, क्योंकि हम जिस देश के वासी हैं ना, वहाँ पर इंसानियत जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे देश को स्पेशल बनाती है और यही हमको स्पेशल बनाती है। बाकी अब गुड़ की चाय पियो। जयकारा शेरावाली दा, साचे दरबार की जय पापी। देख तो सही, इतना लंबा सफर करता है। अरे तया कवे तू, हां मोटरसाइकिल है और बहुत ही लंबा हो गया था। देखो जी असी यानी कि हम पहुंच गए जी होशियारपुर, ठीक ठाक अच्छे से खाना वाना खा लिया है,
थोड़ा पेट पूजा हो गई है। अच्छा इधर आइए, इधर इधर देखो, आपको मिलवाते हैं भतीजे से। इसकी हाइट देखो यार, कितने चल जाएगा तू है। और इसने हमारे से कंडीशन अप्लाई है, इसने बोला बेइज्जती कोई नहीं करेगा इसकी, ठीक है, फुल इज्जत से हम बात करेंगे। पर तू कड़ी क्लास में है? मैं 9th। देखो 9th में ये लड़का इतनी हाइट बनती है क्या? गलत है। और फटाफट कॉलेज से हो जाना तू, ठीक है। बाकी पूरा पंजाब घूम चुका हूँ जब से घूम रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा ठंड अगर कहीं है तो वो होशियारपुर में, शायद इसलिए क्योंकि हिमाचल का बॉर्डर पड़ जाता है। इधर कितना रह जाता है हिमाचल? चिंतपुर्नी वाला रास्ता 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है ना? है ना जी, है ना, है ना ही रास्ता रह जाता है, मतलब नेड़े ही है। कुल मिला के ये है कि पहाड़ों के हम बहुत नज़दीक हैं, हिमाचल प्रदेश के हम एंटर कर सकते हैं कभी भी चाहें तो, अगर दिल किया तो कल कर जाएंगे, और नहीं किया तो बाकी तो फिर रब रखिएगा। बाकी ठंड है इसलिए आते ही फटाफट जैकेट पहन ली, कि मौसम के हिसाब से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि तबीयत खराब हुई तो काम हो सकता है, ठीक है।